नमस्कार, आप देख रहे हैं INI न्यूज। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ मैं हूं पहली चौहान। सबसे पहले मुख्य सुर्खियां। पंजाब के मुख्यमंत्री ने शहीद परमजीत सिंह जी के परिवार से मुलाकात कर शहीद के बच्चों को शिक्षा उपरांत नौकरी देने का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ के मध्य बस्तर में सरकार के निर्णायक लड़ाई को लेकर नक्सलियों की उड़ी नींद। भय दिखाने के लिहाज से नक्सलियों ने जवानों से लूटे फोटो किए सार्वजनिक। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में प्रेमी युगल ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, पुलिस जुटी जांच। और उत्तर प्रदेश के एक्टिव CM योगी के आने से पहले ही सोते नजर आए BJP के सांसद एवं विधायक। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अरमिंदर सिंह शहीद परमजीत सिंह के परिवार से मिलने उनके पुस्तैनी गांव वही पुरी में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने शहीद के पिता उधम सिंह, पत्नी परमजीत कौर व बच्चों से संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों की शहीदी को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान हमारे एक जवान का शीश काट कर ले जाता है तो हमें उसके बदले में 3 शीश काट कर लाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने शहीद परमजीत सिंह की बड़ी लड़की को पढ़ाई करने के उपरांत नया तहसीलदार व लड़के को पढ़ाई करने के उपरांत पुलिस में ISI की नौकरी देने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने परिवार को 5 लाख रुपए, उनके माता पिता को 2 लाख रुपए, पहनता शहर में प्लांट के लिए 5 लाख रुपए सहायता देने की घोषणा की। इसके साथ ही गांव के सरकारी स्कूल का नाम व खेल स्टेडियम का नाम शहीद परमजीत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़, कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह सहित पूर्व मंत्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर, विधायक डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री, विधायक सुखपार भुल्लर ने भी शहीद के परिवार से संवेदना प्रकट की है। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਰੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਇਸੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ 'ਚ ਪਊਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ JCO ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੈਡਲੀ ਮਿਸਟੇਕਨ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। मध्य प्रदेश के गोटे गांव थाना अंतर्गत बाईपास की पुलिया पर एक प्रेमी युगल खुद को गोली मार कर की आत्महत्या। युवक युवती की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली, वही मौके पर एक देशी कट्टा भी मिला। युवक युवती की उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष की है। युवक के सिर पर चोट के निशान हैं। प्रेमी युगल के पास से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है। बताया जा रहा है कि लड़की घर से ब्यूटी पार्लर जाने के लिए निकली थी, वही लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पूरा हादसा संदेह के घेरे में है। यह हत्या है या आत्महत्या, यह जांच का विषय है। वही पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। सुबह सुबह 7 बजे करीब सूचना में प्राप्त हुई कि एक जोकेश्वर बाईपास के पास में एक लड़का लड़की की डेड बॉडी पड़ी है, वो काफ़ी खून निकला हुआ है। तो आके देखा तो लड़का लड़की की डेड बॉडी एक पुलिया के किनारे पड़ी थी। लड़की की शादी अभी 6 तारीख को होने वाली थी और लड़का भी उसके साढ़ू भाई का लड़का है। ऐसा लग रहा है कि दोनों में प्रेम प्रसंग है, क्योंकि लड़की की जेब में एक पत्र भी मिला है कि हम अपनी मौत की जिम्मेदार स्वयं हैं। तो इसे मर कायम करके जांच की जा रही है और जो भी होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, लड़की का मोबाइल मिला था, उसी से उसकी जानकारी दी गई। हाँ, एक कट्टा मिला, 315 बोर का कट्टा मिला है। पहले ऐसा लग रहा है कि लड़का ने लड़की को मार दिया, स्वयं उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा सर, लड़की कहाँ की निवासी है? लड़की यहीं गोटे गांव की निवासी है और लड़का बांदा का रहने वाला है, लेकिन 3-4 साल से भेड़ाघाट में मोबाइल की दुकान पर काम करता है। मोसेरी लड़का लड़की है। उत्तर प्रदेश में सूबे के एक्टिव CM कहे जाने वाले संत योगी आदित्यनाथ, UP के अफसर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित तमाम दिग्गज नेताओं को कड़ी मेहनत करने के हिदायत दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जनता के भरोसे पर खरा उतरने के बजाय उन्हीं के कार्यक्रम में सांसद और विधायक सोते नजर आए हैं। इतना ही नहीं, वह कभी खर्राटे लेते तो कभी झपकी मारते कैमरे में कैद हो गए। ये कुंभकर्ण की नींद भरने का सिलसिला करीब आधे घंटे चला। हालांकि बाद में कार्यकर्ताओं ने सांसद को गहरी नींद से जगाया। सांसद जागते ही मुस्कुराहट भरे अंदाज में हंसने लगे।
आपको बता दें कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ताजनगरी के दौरे के लिए आगरा पहुंचे थे। मंच पर आने के इंतजार में भाजपा के फतेहपुर सांसद चौधरी बाबूलाल एवं दक्षिण विधानसभा के विधायक योगेंद्र उपाध्याय पलके झपकते नजर आए। ज्ञात हो कि योगी इस समय अब तक के यूपी के सबसे एक्टिव मुख्यमंत्री में शुमार हैं। उनकी कार्यप्रणाली पर विपक्ष भी चुटकी लेने की हिम्मत करने से भी बच रहे हैं, लेकिन अफसोस उन्हीं के सांसद एवं विधायक सरेआम मंच पर सो रहे हैं। जहां एक ओर सरकार और पुलिस फोर्स नक्सलवादियों से निर्णायक लड़ाई लड़ने की बात कर रही है, वहीं नक्सली भी पर्चे और वीडियो जारी कर इस निर्णायक लड़ाई को लड़ने की अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं। एक वीडियो मिला है जिसमें नक्सली प्रशिक्षण लेते हुए दिखलाई दे रहे हैं। यह वीडियो कब और कहां फिल्माया गया यह तो नहीं बतलाया गया है, मगर फोर्स द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान ऐसे वीडियो जारी करने के पीछे उनकी मंशा साफ झलकती है कि उनमें इस अभियान को लेकर कोई खौफ नहीं है। वे इस अभियान से निपटने की अपनी तैयारी को दिखलाना चाह रहे हैं। सुकमा के बुरकापाल में मुठभेड़ में लूटे गए हथियारों का एक फोटो भी जारी किया गया था। हमारे सूत्र बताते हैं कि नक्सली फोर्स के हेलीकॉप्टरों को टारगेट करने की पूरी तैयारी में है। नक्सलियों के पास 300 मीटर तक मार करने वाले देशी रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं। पुलिस को भी यह बात पता है, इसलिए चौपर की सुरक्षा और सुरक्षित लैंडिंग को लेकर फोर्स भी सतर्कता बरत रही है। उत्तर प्रदेश में आसाम प्रदेश से 10 टायर ट्रक पर अदरक के बोरों के बीच छिपाकर अवैध रूप से लाए जा रहे करीब 2.5 क्विंटल गांजा को एसटीएफ वाराणसी व आजमगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने पकड़ लिया। बरामद गांजा की कीमत बाजार में 40 लाख आंकी जा रही है। आज सुबह हुई कार्रवाई में अवैध गांजा के साथ 4 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। एसपी आजमगढ़ के अनुसार जिले के खरिहानी में यह खेप उतरनी थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस को भनक लग गई। एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक के अनुसार आजमगढ़ लाकर इनको पूर्वांचल के कई जिलों में भेजा जाना था। ये एसटीएफ का वाराणसी यूनिट और थाना कोतवाली की पुलिस के द्वारा एक आज ज्वाइंटली एक गुड वर्क किया गया, जिसमें एसटीएफ की सूचना के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग काफ़ी भारी मात्रा में 2.5 क्विंटल गांजा जो है लेके आ रहे थे और ये इनकी इसमें गिरफ्तारी हुई है। पूरी पूछताछ पे ये पाया गया कि ये गांजा जो है लगभग 40 लाख वैल्यू का गांजा पकड़ा गया है। इनसे पूछताछ में ये जानकारी हुई कि ये लोग एक नागालैंड के नंबर पड़ी हुई गाड़ी से ये गांजा लेके आ रहे थे और अदरक के बोरों के बीच जो है इस गांजा को जो है इन्होंने छिपा के रखा था। और ये पुलिस को एक आज अच्छी कामयाबी मिली है, इसमें 10 टायरा ट्रक और एक मोटरसाइकिल भी जो है बरामद हुई है और इस संबंध में थाना कोतवाली पे 228/17 NDPS एक्ट में जो है मुकदमा दर्ज करके पुलिस विवेचना और आगे की कार्रवाई की जा रही है। करीब 2 क्विंटल 36 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है और ये गांजे का नेटवर्क बहुत लंबा है। पहले भी हम लोगों ने इसमें कई खेप पकड़ी है। इसमें मेनली आसाम, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन जगहों से गांजे की तस्करी यूपी के पूर्वांचल के हिस्सों में होती है। तो उस नेटवर्क पे हम लोगों ने काफ़ी दिनों से काम करना शुरू किया तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आईं। इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति ऐसा है बीच का जो आज पकड़ा भी गया है, जो यहाँ से पैसे ले कर वहाँ पर पैसा डिलीवर करना, फिर वहाँ से माल ले कर यहाँ पर डिलीवर करना, ये काम करता है। और इस तरह के इनके कई चैनल्स हैं, पहले भी 2-3 चैनल से पकड़ा गया है और अभी भी आगे भी काम किया जाएगा इस पर और पूरा का पूरा नेटवर्क पे हम आगे भी काम कर रहे हैं। चिन्हित किए गए, पहले भेजे भी गए, 2 लोग पहले भी भेजे गए हैं आजमगढ़ के और आगे भी जो लोग नेटवर्क में आएंगे, सामने आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई। राजस्थान के बिजौलिया उपखंड अधिकारी आलोक जैन का बिजौलिया से भिनाय तबादला होने पर कस्बा वासियों की ओर से भावभीनी विदाई दी गई। बनी के बालाजी में आयोजित कार्यक्रम में आलोक जैन को साफा व माला पहनाकर प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के चिरमिरी में बीते दिन पुलिस के द्वारा गोदरीपारा में एक मकान में छापामार कार्रवाई के दौरान 3 किलो 100 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 31,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं 2 आरोपी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को सूचना मिल रही थी गोदरीपारा में आरोपी इशहाक कुरैशी के द्वारा खुलेआम गांजे का बिक्री किया जा रहा है, जिसके तहत चिरमिरी थाना प्रभारी सुनील सिंह ने टीम गठित कर आरोपी के निगरानी में लगा रखा था,
जैसे पुलिस को सूचना मिली तत्काल पुलिस ने छापा मारकर आरोपी इशाक कुरैशी और उसके साथी प्रेम लाल को धर दबोचा। आरोपी के पास से 3 किलो गांजा जब्त किया गया। वहीं आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद दोनों आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कल दिनांक 6/5/17 को जो है मुखबिर से सूचना मिली थी कि नांडे और इसहाक कुरैशी नाम का व्यक्ति जो है चोरी छिपे जो है गांजे का अवैध व्यापार करता है। इस सूचना पर एएसआई लवांग सिंह, के राजवाड़े और स्टाफ को जो है टीम बना करके वहां रेड करने के लिए मेरे द्वारा भेजा गया था। तो वहां पे इसहाक कुरैशी उर्फ नांडी तथा प्रेम लाल के कब्जे से कुल 3 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ है। उस पुलिस द्वारा जब्त करके अभी भी NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो रिमांड पर भेजा जा रहा है। गांजे की कीमत लगभग 30-31 हज़ार की होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के दौरे पर रहे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर पार्टी कार्यकर्ता सर्किट हाउस में बने पंडाल में करते रहे इंतजार। शाम को मुख्यमंत्री आगरा का दौरा कर सर्किट हाउस में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने दीप जलाकर किया। आगरा के जिला व शहर के अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री का माला पहनाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं आज जमुना नदी पर गया था, वहां मैंने जमुना में गंदे नाले को बहते हुए देखा और तुरंत अधिकारियों को इसे रोकने का आदेश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने आगरा एयरपोर्ट को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम दिया। मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि आगरा और आसपास के जिले की जनता के लिए जल्द ही गंगा जल की व्यवस्था की जाएगी। किसानों की पानी की समस्या को भी ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसान भाइयों को पानी के संबंध में कोई परेशानी होती है तो हम उनके लिए चंबल से भी पानी लेकर आने को तैयार हैं। कार्यक्रम के समाप्ति पर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कोई भी परिस्थिति रहे, लेकिन आपको कानून हाथ में नहीं लेना है। कि गंगा जल की आपूर्ति कानपुर और आसपास के जिलों में होनी ही चाहिए, उसके लिए हम लोग कार्य करेंगे, किसानों को उसका मुआवजा देंगे। साथ ही साथ आगरा और उसके आसपास के जनपदों में क्षेत्रों में पेयजल की कमी अगर कहीं रहती है तो हम चंबल से भी पानी लाने की व्यवस्था इस क्षेत्र के लिए करेंगे। भारत की सरकार ने जितनी कल्याणकारी योजनाएं देश के अंदर प्रारंभ की, इन 3 वर्षों में केंद्र की सरकार ने विकास की जितनी योजनाएं देश के अंदर घोषित की, उन योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार और उन योजनाओं से कौन कौन लोग लाभान्वित हुए हैं, अगर अपने अपने वार्ड में, अपने अपने मंडल में, अपने अपने जनपद में उन कार्यकर्ताओं इन योजनाओं को और मजबूती के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उन लोगों को भी निःशुल्क बिजली का कनेक्शन मिल सके। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के सिंगर मास्टर बादल भारद्वाज, जिन्होंने अपनी आवाज के जादू से पूरे भारत में छिंदवाड़ा जिले को एक नई पहचान दी है। मास्टर बादल अपनी 9 वर्ष की उम्र से भजन गा रहे हैं और अब तक बॉलीवुड के कई बड़ी हस्तियों के साथ परफॉर्मेंस कर चुके हैं। उनके 31 म्यूजिक भजन एल्बम्स मार्केट में हैं। 7 मई दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपने आने वाले नए एल्बम सॉन्ग की स्क्रीनिंग की और साथ ही बताया कि बहुत जल्द बॉलीवुड की 3 बड़े बैनर्स की फिल्मों में वही प्लेबैक करने जा रहे हैं। साथ ही कई प्रोडक्शन हाउस से उन्हें एक्टिंग के भी ऑफर्स हैं। बहुत जल्दी छिंदवाड़ा का यह सितारा बॉलीवुड हस्तियों के बीच चमकता हुआ दिखाई देगा। हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। 9 मई 2017 को 9 बजे सुबह मेरे एक न्यू सॉन्ग और मेरा न्यू रोमांटिक सॉन्ग जिसका नाम पिया है, जो कि सोनोटेक एसिड न्यू दिल्ली से लॉन्च हो रहा है। और ये सॉन्ग जो है 3 महीने में बना है। इसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है मुंबई 15 दिन में रिकॉर्ड हुआ है सॉन्ग, और इसका वीडियो शूट के लिए 3 दिन लगे हैं। इसका वीडियो जो शूट है वो हिमाचल ऊना में हुआ है। और इस सॉन्ग में जो मेरे साथ अभिनय की है एक्ट्रेस, उनका नाम है प्रियंका खत्री, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है। उनकी भी 4-5 मूवी है हाल ही में जो मार्केट में है। फर्स्ट जो है वो लव के फंडे और सेकंड डियर आई लव यू। जी, ये मेरा 31वां एल्बम है। मेरे इससे पहले 30 भक्ति एल्बम थे और अभी ये इसको मिला के 31वां हो गया मेरा। मैं 9 साल की उम्र से परफॉर्म कर रहा हूँ और अभी मेरी उम्र 17 मई को मेरा बर्थडे है, उस दिन मेरी उम्र 22 वर्ष हो जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहें INI News के साथ। नमस्कार।